हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रचनाहल्ली लेक, जो कि हेब्बल केम्पापुरा में है। तो चलिए देखते हैं, अंदर जाते हैं रचनाहल्ली लेक के अंदर क्या क्या है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखते रहिए वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। तो चलो देखते रहो मेरे साथ मेरा वीडियो। यहाँ पे अंदर आते ही अगर आप लोग राइट हैंड में आ जाते हो, राइट हैंड में कुछ दूर जाने का बाद आप लोगों को एक लेक देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो है ये लेक है, लेकिन अभी पानी सूख गया है इसीलिए लेक भी सूख गया है। देखिए जब पानी होता था तब एकदम ये लेक हरा भरा हो के रहता था। और जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का बात ही आप लोगों को ये जो पार्क है, पार्क देखने को मिलेगी। और पार्क के साइड से जो लेन है, उस लेन से अगर आप लोग चलोगे तो पूरी लेन चलने से आप लोगों को 750 मीटर का एरिया आप लोग कवर करोगे। अगर कोई भी आके यहाँ पे वॉक करते हो तो फिर एक राउंड मारने से 750 के मीटर होता है। और अगर लेक के चारों तरफ आप लोग घूमोगे तो लगभग 3.5 किलोमीटर है ये लेक का जो सर्कमफेरेंस है, ये है 3.5 किलोमीटर। और ये जो लेक है, लेक के साथ है रंगोली गार्डन, जो जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे कर्नाटका का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कैसा कैसा आदमी कैसा कैसा ये कल्चर है, वो सब हाईलाइट किया है रंगोली पार्क में। तो अगर आप लोग आए तो उधर भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन वो जगह का लास्ट एंट्री है 5 PM, तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाना। तो फिर वो जगह घूम के उसके बाद आप लोग यहाँ पे रचनाहल्ली का अंदर आ सकते हो। देखो ये है रचनाहल्ली का जो लेक है, देखो लेक बहुत ही बड़ा है। इस लेक में बहुत सारे मछली है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेक के चारों तरफ क्या क्या है। मैं अभी पैदल चलते चलते जा रहा हूँ लेक के दूसरे तरफ। मैं आया था लेक का जो पार्क है, पार्क के तरफ से मैं अंदर आया था, और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे तरफ, मतलब लेक का जो राउंड है, राउंड में लूँगा। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा लेफ्ट हैंड में जो अभी दिख रहा है, यहाँ पे मछली आप लोगों को मिलेगी। अगर सुबह आप लोग आओगे तो फ्रेश फिशेस यहीं से बिकता है, और बहुत ही चीप प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी। मैं भी बहुत बार यहाँ पे आके मछली लिया था। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट इस पार्क के लॉन के दोनों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। और ये जो जगह है, यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे बस आप लोगों को मिलेगी, लेकिन बस का टाइमिंग मुझे पता नहीं, लेकिन बस मिलता है यहाँ पे आने के लिए। और अगर आप लोग नियरेस्ट जो मेन रोड है, मेन रोड से नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वो है कोडीगली गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो आप लोग कोडीगली गेट से यहाँ तक आने के लिए ऑटो ले सकते हो, ऑटो में 50 रुपीज़ ही लेगा, हम लोग ऑटो में यहाँ पे आ सकते हो। इस पार्क का जो टाइमिंग है, यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खुला हुआ रहता है, और शाम को 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ही खुली हुई रहता है ये पार्क। चलो अभी मैं पैदल चलते चलते एकदम लेक का एंड की तरफ आ गया। एंड ये नहीं है, इससे आगे भी है, लेकिन उधर जो लेन है, लेन अभी बना रहा है, तो इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। और अगर लेन जब बन जाएगी तब आप लोग पूरी राउंड ले सकते हो, नहीं तो अभी अगर
उस लेन से अगर आप लोग जाओगे तो उधर बहुत ही धूल है, इसीलिए मैं उधर से नहीं जा रहा हूँ। जिस वे से मैं आया अभी उसी तरफ से मैं वापस जा रहा हूँ। तो यही है इस जगह का वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, स्टे सेफ।